यमुनानगर में आज एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या का कारण ससुराल पक्ष को बताया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते आज रंजोत ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। यमुनानगर के हमीदा के रहने वाले रंजोत की शादी यमुनानगर के चांदपुर में हुई थी। शादी के बाद से उसके ससुराल वाले उसको अक्सर तंग किया करते थे, जिसके चलते युवक की अपनी पत्नी और ससुराल वालों से अनबन थी। रंजोत के परिवार के कई बार समझाने पर भी उसकी पत्नी उसका कहना नहीं मानती थी, जिसके चलते युवक ने देर रात अपने घर में कोई जहरीला पदार्थ खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने साफ साफ लिखा कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे ब्रदर अपने ससुराल को तंग से आज न्यूज के लिए यमुनानगर से रजनी सोनी की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।